हाय दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नमकीन सेवई कैसे बनती है वो आज मैं बनाऊंगी। जिसे इस नमकीन सेवई को दिल्ली एनसीआर में जवे भी कहते हैं, ये घर का बना हुआ जवे है। आप चाहें तो मार्केट से भी सेवई ले सकते हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, हम जवे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो बिना ऑयल के भुनेंगे। ये देखिए जवे भुन गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूंगी। जवे भुनने के बाद अब मैं थोड़े से ऑयल में मूंगफली का दाना भून लूंगी। थोड़े से मूंगफली के दाने अब मैं भून लूंगी। ये देखिए मूंगफली भुन गई है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। आज हम नमकीन सेवई को कुकर में बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा राई डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे। क्योंकि इस समय नवरात्र चल रहा है इसलिए हम प्याज नहीं डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ये आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड होने के बाद थोड़े देर इसको हम भुनेंगे। आलू थोड़ी देर भुन गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल के मिक्स करेंगे। अब इसमें हरे मटर, टमाटर और मूंगफली ऐड करके इसको भुनेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक ऐड करने के बाद अब इसमें हम ये भुने हुए जवे डाल देंगे। जवे मैंने इसमें मिला लिया है, अब इसमें मैं पानी डालूंगी। कुकर में नमकीन सेवई बनाते हैं, पानी का रेशियो आपको ध्यान रखना है। इस वाले कटोरी से मैंने जवे लिए थे तो मैं इस कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डालूंगी। ये देखिए आधी कटोरी ये है, अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। इस तरह से पानी का रेशियो रहेगा। अब मैं इसमें ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक इसको पका लूंगी। अब हम इसको थोड़ी देर देखते हैं कि ये हुआ है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, सेवी एकदम बनकर तैयार है। गीले भी नहीं है और खिले खिले भी है पूरे। अभी मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एकदम ये खिले हुए हैं, कहीं से भी ये गीला नहीं है और ना कच्चा है ये। गर्मा गर्म सेवई को हम लोग चाय के साथ खाने जा रहे हैं। आप चाहे तो इसे सेवई में सॉस भी डालकर खा सकते हैं। मेरी सेवई कैसी बनी है इसे जरूर बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।